हेलो दोस्तों, आज हम एक मिनी बुलेट बनाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं छोटी बंदूक की गोली। उसके लिए हमें दो तीली चाहिए, दो तीली जिसका हम ये बारूद निकालेंगे। और ये हम बारूद निकाल रहे हैं, बारूद निकाल दिया हमने, इसका भी हम बारूद निकाल देंगे। और अब हम इसके थोड़ा पीस लेंगे, बारीक कर देंगे। अब इसके लिए हमको चाहिए एक ये निप जो कि पैन की होती है, ये देखो। इसको हम थोड़ा इकट्ठा करेंगे। अब ये निप है, इस बारूद को हम इसमें भर देंगे ऐसे करके। अब दोस्तों हमने देखो इसको इसमें सारा भर दिया है, दो तिल्लियों का बारूद इसमें सारा चला गया है, ये देखो। इसमें हमने ये सुई से डाल दिया है हमने इसको। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा निप को इसमें ठोक देंगे सुई को। इसके लिए हमको ये मोटी सी सुई चाहिए जो कि इसमें टाइट हो जाएगी, ऐसे करके हम इसको ठोक देंगे। देखो अब इसमें फिट हो गई है निप, ये देखो इसमें टाइट हो गई। इसको हम ठोक देंगे ऐसे करके बस। हमें उसके लिए एक ऐसे जो रेडियो पे एक एंटीना होता है पीछे, उसकी एक पाइप चाहिए ऐसे, ये जो रेडियो का एंटीना होता है बिल्कुल इस, ये जो निप है इसकी साइज का है बिल्कुल, ये इसमें चला जाता है बिल्कुल। देखो ये देखो ये इसमें बिल्कुल बराबर जाएगा। देखो ये, हेलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे इसको ये कहाँ पे ये निप आ रही है, ये निप यहाँ पे आ रही है, तो हम इसको यहाँ पे एक निशान लगा देंगे सही से ऐसे करके। और ये हम इसमें डाल देंगे अंदर ऐसे करके, ये हमने इसमें डाल दिया है, हमको पता आएगी यहाँ पे निप आएगी। हमने इसमें यहाँ पे निशान इसलिए लगा रखा है, ये देखो दोस्तों, हमने इस पे यहाँ पे ये निशान इसलिए लगा रखा है, ये देखो निप के सामने बिल्कुल यहाँ पे, ताकि जब हम इस पे आग जलाएं तो यहीं पे लगे, वो ताप यहीं पे लगे इसका। इसमें हमने ये डाल दिया आगे से बिल्कुल सुई के साथ ऐसे, और यहाँ पे हम आग जलाएंगे क्या है यहाँ पे, और इसकी सपोर्ट हमने पीछे इस दीवार को दे दी है, ताकि यहाँ पे जब ये लगेगा तो इसके जो सुई लगा रखी है वो पीछे ना निकले। और हमने इसको यहाँ पे साबुन रख दिया है, ताकि जो निकले इस पे से वो निप वो इस साबुन पे लग जाए। निशाने पे लगा दिया है, ताकि जो गोली निकलेगी, जो इसमें से निप निकलेगी बारूद से, वो इस पे लगेगी। अब हम इसमें मोमबत्ती लेंगे, ताकि ये जलेगी। देखो दोस्तों हमने जो फायर किया है, ये देखो गोली बिल्कुल बीचों बीच में लग रखी है, इसी के अंदर फिट हो रखी है वो, इसी के अंदर।